हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जिसमें आपको 1 भी% एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर आज हम अपने कार्ड से पैसे निकालते हैं तो हमें 3% या 3.5% एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं। ओके दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको इसके लिए प्ले स्टोर से ये वाले दो ऐप इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एक तो आपके पास ऑलरेडी होगा, ये रहा हमारा पेटीएम, ये तो आपके पास वैसे भी होगा पेटीएम। और दूसरा आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है पेटीएम फॉर बिजनेस, ये वाला ऐप। तो आप इसके लिए प्ले स्टोर पर आएंगे, आप इस तरह से प्ले स्टोर पर आइए और यहाँ पर आप टाइप करिए पेटीएम, पेटीएम बिजनेस ऐप, ये वाला। ठीक है, इस तरह से ये ऐप आपके सामने आएगा, क्योंकि मेरे में ये ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए ये ओपन लिख के आ रहा है। आप इसको इंस्टॉल कर लेना। अब यहाँ से आपको ये ऐप ओपन करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से ये आपका ऐप ओपन होगा और इस तरह से ये आपका एक अकाउंट ओपन आ जाएगा। देखिए, इसमें लिखा है कि आप आस्क योर कस्टमर्स टू स्कैन द QR एंड एक्सेप्ट पेमेंट अप टू 50,000 पर मंथ। मतलब कि आप इससे आप अपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये तक पर मंथ निकाल सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए आपको 1 भी रुपये एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा। और अगर सोचिए ज़रा, अगर आप ये 3% या 3.5% के हिसाब से अगर आप इसको पेटीएम, सिंपल पेटीएम से निकालते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। 3% के हिसाब से शायद 1500, अस आई थिंक 1500 रुपीज़ कम से कम आपके खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको 1 भी पैसा खर्च नहीं होगा। तो अब देखिए, मैं बताता हूँ कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा आ रहा है स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट्स, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक आपका QR कोड मिलेगा। इस QR कोड को आप यहाँ से अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं किसी को भी, ऐसे करके आप इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये भी, हाँ, ये शेयर हो रहा है। इस तरह से आप इसको कहीं भी शेयर करना चाहें तो आराम से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली ये है कि आपने खुद ही देखा होगा, आप किसी शॉप पे जाते होंगे तो उनके पास एक इस तरह का QR कोड होता है। तो आप अपने जो सिंपल वाला पेटीएम होता है उससे आप स्कैन करोगे इस कोड को और जितना भी पेमेंट होना होगा वो पेमेंट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये आपका ये QR कोड है। अब देखिए, इस QR कोड को आप अपना स्क्रीनशॉट, मैं भी इसका स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ, इस तरह से एक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपका जो पेटीएम है, सिंपल वाला जो पेटीएम, ये पेटीएम आप खोलिए और इस पेटीएम में आप जैसे जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड से ऐड मनी करते हैं, ये रहा ऐड मनी, आप यहाँ से ऐड मनी कर लीजिए। और ये प्रोसीजर आपको मालूम ही होगा, जो भी आपको अमाउंट, सपोज़ आपको अगर अगर आपको 20,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से निकालना है तो यहाँ पर 20,000 रुपये आप ऐड मनी कर दीजिए और आपका जो कार्ड आएगा उसमें, क्रेडिट कार्ड में आप अपने क्रेडिट कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी लिखना है यहाँ पर आप जो है आराम से डाल सकते हैं। और आगे का प्रोसीजर आपको खुद ही मालूम होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इस तरह से आप इस ट्रांजेक्शन को पूरा कर लीजिए तो आपके पेटीएम वॉलेट में 20,000 रुपये आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना QR कोड किसी दूसरे के फ़ोन में भेज देना है ताकि आप उसको स्कैन हो सके। तो
क्योंकि इसके अंदर ही आप अपने फ़ोन से ही अपना कोड स्कैन बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो आप किसी दूसरे के फ़ोन में वो QR कोड भेज देना और फिर यहाँ से अपना जो सिंपल वाला है इसमें पे का ऑप्शन आ रहा है। हाँ दोस्तों, तो उसके बाद आपको अपने पेटीएम पे जाना है। अपना पेटीएम खोलिए और पेटीएम पे का ऑप्शन, पे के ऑप्शन पे आपको आना है। ये रहा पे, और इस तरह से अपना QR कोड को स्कैन कर लेना है। ये देखिए, ठीक है, जैसे स्कैन होगा अब इसमें आप कोई भी अमाउंट, जैसे मेरे में अभी है नहीं अमाउंट, इसमें केवल 0 पॉइंट कुछ पड़ा हुआ है, मैं आपको वही शो करके दिखा दे रहा हूँ, 0.1 पर। इसमें 1 रुपये से एक्चुअली पॉइंट में नहीं जाएगा, आपको जो भी अमाउंट करना है, 20,000 करना है तो यहाँ पे 20,000 किया और आप पे कर दोगे तो ये सिंपल आपके ही अकाउंट में, एक्चुअली वो आप ही का अकाउंट है बिजनेस वाला, तो उसमें सेंड हो जाएगा। तो इस तरह से फिर अगले फिर जो है कि अगले कुछ आवर्स में ये जो पैसा आपने अपने बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था ये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। हाँ, पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि पेटीएम इसको अलाउ नहीं करता है। मतलब आप कुछ एक बार कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप ये हर रोज़ कर रहे हो या फिर सिर्फ आपने इस चीज़ को, मतलब आपने केवल पैसा अपने क्रेडिट कार्ड से निकाल के अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए ही इस सुविधा का यूज़ कर रहे हो, ऐसी कंडीशन में पेटीएम आपका अकाउंट कुछ दिनों के लिए सस्पेंड भी कर सकता है, तो इस बात का भी हमें खास ख्याल रखना है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मतलब कि अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता रहूँगा। जय हिंद।